हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद रिकॉर्डिंग चैप्टर, याद है क्या? एक बार कैमरा शुरू कर ले सभी लोग। हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया था? वी हैव स्टार्टेड विद द रिकॉर्डिंग पोर्शन। रिकॉर्डिंग की मैंने आपको 5 स्टेप्स बताई है। रिकॉर्डिंग की अभी तक हमने कितने स्टेप्स पढ़ रखे हैं? 5। क्या क्या 5 स्टेप्स है रिकॉर्डिंग की? पहला, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। दूसरा, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल। तीसरा, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। चौथा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। एंड पांचवा, पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। तो ऐसे 5 कैटेगरी में हमने अकाउंट अब तक के पढ़ाए कि भाई दिस आर द 5 कैटेगरीज इन विच वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री। ये 5 अलग अलग कैटेगरी में हम इस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। अब ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ 2 एग्जाम्पल्स कल पढ़े थे। क्या थे? पहला, इन द बुक ऑफ राहुल, बेसिकली सैलरी पेड हमने पे कर दिया। एनालाइज किया भाई, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जेब से पैसा गया, सैलरी और कैश अकाउंट पॉसिबल था। फिर आपने कैटेगरी भी लॉक की, जैसा कि यहाँ बोला हुआ है। डिटरमाइन करने के बाद कैटेगरी लॉक की, सैलरी को बोला नॉमिनल अकाउंट, कैश को बोला रियल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोल के सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया गया क्रेडिट, तो सेकंड लाइन में इज्जत भी दे दी आपने उसको। और सैलरी पेड ₹2000 टू दीपक, 2000 का सैलरी आपने दीपक को पे किया, दीपक को 2000 का सैलरी पे किया, तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे? सैलरी कैश और दीपक, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है और दीपक पर्सनल अकाउंट है। इसमें आपने किसको एलिमिनेट किया था? दीपक को। क्यों दीपक को? इसका कहानी किस्सा बताया था मैंने, जिसको पैसा दे देते जिससे पैसा ले लेते, जिसको पैसा दे देते जिससे पैसा ले लेते हम उसको याद नहीं रखते, जिसको पैसा दे देते जिससे पैसा ले लेते हम उसको याद नहीं रखते। इसलिए हमने कौन से अकाउंट को एलिमिनेट कर दिया था? दीपक को एलिमिनेट कर दिया था। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और कैश। बचे कौन से अकाउंट थे हमारे? सैलरी और कैश। इतना हमने अब तक पढ़ा, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक? इसी को आगे बढ़ाए, ये डिस्कशन को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे आके। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। नजर हटी, दुर्घटना घटी, सारे किस्से अभी वैसे रहने वाले, तो सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पर चाहिए रहेगा। शुरू करते हैं। अगला है, सैलरी पेएबल ₹3000 टू अमन। अगेन ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन है, सिंपल है। विल हैव टू पुट दैट ट्रांजैक्शन इनटू दैट 5 स्टेप। 5 स्टेप्स में डालो, एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अकाउंट, लॉक द कैटेगरी, एलिमिनेट द अकाउंट एंड पास द एंट्री। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हुआ? हम कौन है? हम कौन है एक बार बोल दो। हम कौन है बोलो, फटाफट बोलो। हम कौन है? हम कौन है? राहुल। हमने क्या किया है? हम कौन है? राहुल। हमने अमन से सर्विसेज ली, अमन ने अमन से सर्विसेज ली, बट क्या उसको सैलरी पे कर दी कि पेएबल है? सैलरी पे नहीं की, सैलरी पेएबल है। सैलरी पे नहीं की, सैलरी पेएबल है। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना। खर्चा कब होता है? व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस कब होते हैं? लेक्चर ऑनलाइन देख के आया क्या रे नालायक? अरे एक ही देखना था, एक ही देखना था, एक ही देखना था, बाकी नहीं देखना था। कब होता है खर्चा? कब होता है? When expenses are incurred? देखो, कई लोग बोलते हैं कि सर एट द टाइम ऑफ परचेजेस होता है, परचेजेस करते वक्त खरीदना, खरीदते वक्त एक्सपेंडिचर नहीं रहता, ध्यान रखना, खरीदते वक्त एक्सपेंडिचर नहीं रहता। जरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी क्लास 3 दिन नहीं, 2 दिन पहले की बात है, कब संडे गया ना, अभी 2 दिन पहले मैं घर पे शांति से अकेले बैठा था, टीवी देख रहा था, खुद को समय दे रहा था। मैं आपको बताऊँ कि आप जब खुद को समय दोगे ना, खुद को समय दोगे ना, सबसे ज़्यादा मेहमान तभी आते घर पे। वही हुआ, घर का डोरबेल बजा, दरवाजे पे गया तो मैं क्या देखता हूँ, हमारे घर के राशन वाला आया हुआ है। राशन वाले के हाथ में 2 थैले थे। सोम, माइक बंद कर दे बेटा। तो उसके हाथ में 2 थैले थे, माइक बंद कर दे मर्जीश। तो उसके हाथ में 2 थैले थे। मैंने बोला यहाँ कैसे? तो बोले सर वो मैडम ने लिस्ट दी थी, लिस्ट के हिसाब से सामान है, तो ये सामान लेके आया। तो मैंने सामान लिया, एक कोने में रखा, दरवाज़ा बंद करने गया तो वो वहीं खड़ा था। बोले पैसे? मैंने बोला किसके? बोले वो सामान के। तो मैं बोला लिस्ट मैडम ने दी थी, मैडम को आने दे, सामान बराबर होगा तो पैसे दुकान पे पहुंच जाएंगे। वो चला गया, मैं टीवी देखने वापस बैठा।
टीवी देखने के लिए वापस बैठा। टीवी पे मैं क्या देखता हूँ, जूही जी आती है, जूही जूही जी। वो बोलती है तेरा है पर मेरा है। मैंने क्या देखा, वो राशन के थैले पे कुरकुरे का पैकेट रखा था, पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। जूही जी फिर आती है, वो बोलती है तेरा है पर मेरा है। मैंने दूसरा पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। अब इन सब में मेरे को सवालों के जवाब देना, मेरे को सवालों के जवाब देना। क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए? क्या क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए, यस और नो? क्या हमने वो राशन वाले को पैसे दिए? क्या नहीं? बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या क्या मेरा खर्चा हो गया, यस और नो? यस, मेरा खर्चा तो हो गया। नहीं हुआ? मैं चाहकर भी राशन वाले को कुरकुरे का पैसा पैकेट वापस कर सकता हूँ क्या, कि वो मैंने खा लिए? मैं चाहकर भी वो पैकेट अब वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो कंज्यूम कर लिए, तो मेरा खर्चा तो हो गया। मैंने कंज्यूम कर लिया, मेरा खर्चा हो गया। 2 महीने उसको पैसा नहीं दिया, 2 महीने उसको पैसा नहीं दिया, 2 महीने उसकी पेमेंट नहीं की, मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या मेरा खर्चा हो गया? तो खर्चा कब होता है? खर्चा कब होता है? खरीदते वक्त की कंजम्पशन, नहीं, पैसा देते वक्त की कंजम्पशन। के पैसे तो नहीं दिए ना, पैसे तो नहीं दिए, पैसे तो नहीं दिए, तो क्या खर्चा हुआ? नहीं, पैसे तो नहीं दिए, तो क्या खर्चा हुआ? ऐसा जरूरी नहीं है कि खर्चा पैसा देते वक्त हो। खर्चा कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। खर्चा कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उसको पैसा दिया है या नहीं दिया है। अगर आपने पैसा दिया है नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कंज्यूम कर लिया है, अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो वो एक्सपेंडिचर है। यदि आपने कंज्यूम कर लिया है तो वो क्या बन जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर। अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो वो क्या बन जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर। तो खर्चा कब होता है, वापस बोलो, खर्चा कब होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर खर्चा खरीदते वक्त होता है, खर्चा कब होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज। कई लोग ये भी बोलेंगे कि खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे को एक चीज बताओ, मैंने ये किताब खरीदी, मैंने ये किताब खरीदी, कॉपी खरीद के लेके आया। अब जब मैंने ये कॉपी खरीद के लेके आया, तो ये कॉपी खरीद कर लेके आते वक्त मेरा खर्चा हो गया क्या? कि कॉपी जब खरीदा तब मेरे लिए एसेट था, जब कॉपी खरीदा तब मेरे लिए खर्चा है, कि जब मैंने कॉपी खरीदा तब ये मेरे लिए एसेट है? बोलिए, कॉपी खरीदते वक्त खर्चा है कि कॉपी खरीदते वक्त एसेट है? क्योंकि देखो, ये कॉपी वो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। सारी प्रॉपर्टी मतलब दिस इज अ थिंग, कॉपी इज अ थिंग। एसेट की प्रॉपर्टी याद करो, याद करो बेटा, एसेट की प्रॉपर्टी 3 थी। इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या क्या ये कॉपी, क्या ये कॉपी मेरे कंट्रोल में है? क्या, यस और नो? क्या ये कॉपी मेरे कंट्रोल में, मैं जैसा चाहूँ उसको, जहाँ चाहूँ जैसा चाहूँ इसको यूज कर सकता हूँ? तो इज दिस अंडर माई कंट्रोल, यस और नो? इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकल सकता है क्या? ये कॉपी में लिख कर, मैं नॉलेज गेन कर कर, पढ़ कर मैं पास हो सकता हूँ ना? तो इससे क्या हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकल सकता है, यस और नो? तो आपको नहीं लगता ये कॉपी कॉपी मेरे लिए एक्सपेंडिचर है कि कॉपी मेरे लिए एसेट है? चीजें खरीद, हाँ, तो चीजें खरीदते वक्त खर्चा नहीं रहती, खरीदते वक्त एसेट रहती। खर्चा कब बनती है? जब हम उसको कंज्यूम करते। खर्चा कब बनती है? जब हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो बेटा, मैंने आपको दो चीजें बताई है। अगर कोई कोई चीज को आपको एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करना है, तो जरूरी नहीं है कि पैसा देना दिया ही हो। दो, अगर आपने पैसा नहीं भी दिया हो तो भी वो खर्चा हो सकता है। दो, अगर आपने पैसा, जैसा वो कुरकुरे वाले एग्जाम्पल में, मैंने पैसे नहीं दिए बट कंज्यूम कर लिया, खर्चा हो गया। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने खरीद के ला ली वो खर्चा, नहीं, वो एसेट भी हो सकती है। जो चीज आपने खरीद कर ला ली वो खर्चा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या हो सकती है? आपकी एसेट भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? आपकी एसेट। तो खर्चा कभी भी खरीदते वक्त या पैसा देते वक्त होता है कि कंजम्पशन के वक्त होता है? खर्चा कभी भी पैसा देते वक्त नहीं होता, कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। ये एग्जाम्पल शायद मैंने आप लोगों को उस वक्त वो लेक्चर में पढ़ाया था, जो देखने भी बोला था आप लोगों को, उसमें बताया था। यस, याद है आपको? ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, मेरे एक सवाल का जवाब देना। यहाँ सैलरी पेएबल ₹3,000 टू अमन, मैंने सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? मैंने सैलरी पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। ऑफकोर्स सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पेएबल है। सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पेएबल है। अब मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी पेएबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बताइएगा? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, अमन अकाउंट। सैलरी, कैश और अमन। सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल? कैश, अमन। ये जो सैलरी नाम का खर्चा हुआ ये कब हुआ? ये सैलरी नाम का खर्चा जो हुआ ये कब हुआ होगा? क्या लगता है आपको, सैलरी नाम का खर्चा हुआ? हमने पे नहीं किया,
कब हो सकता है कि सैलरी नाम का खर्चा हो जाए बट पे ना हो? सैलरी नाम का खर्चा हो जाए बट पे ना हो, ये कब हो सकता है? सैलरी नाम का खर्चा हो जाए पेबल बट होगा पे, जब, जब पेबल होगा पे बराबर है क्या होगा तब? जब। अच्छा मेरे को बताओ कैसे हो सकता है, जैसा मैं आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात बताऊं तो खर्चा कब होता है? अभी मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। तो सैलरी कंज्यूम हो गई ये हम कब बोलेंगे? सैलरी नाम का खर्चा कंज्यूम हो गया ये हम कब बोलेंगे? जैसा एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जुलाई महीना खत्म हो गया, जुलाई महीने के एंड में, जुलाई महीना 31 जुलाई को खत्म हो गया। अब मैंने पैसा 31 जुलाई को नहीं दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है हम अगले महीने की 5 तारीख को पैसा करते, पैसा पे करते। मतलब जुलाई का पैसा हम कब पे करने वाले? 5 अगस्त को। जुलाई का पैसा हम कब पे करने वाले? 5 अगस्त को। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या बोलता है कि भाई हमारा सैलरी नाम का खर्चा हुआ, हमने ये खर्चा अभी नहीं पे करना है, ये खर्चा कब पे करना है हमने? अगले महीने की 5 तारीख को। ये खर्चा कब पे करना है? अगले महीने की 5 तारीख को। तो खर्चा हम कब पे करने वाले? नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को। तो हमारा खर्चा हो गया, सैलरी पेएबल है, हमारा खर्चा सैलरी पेएबल है, पे कर दिया है कि पेएबल है? पेएबल है, सैलरी पे नहीं किया, सैलरी पेएबल है, हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है। सैलरी हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है। तो ये जो सैलरी पेएबल है हमारा, सैलरी जो पे करना बाकी है, सैलरी जो पे करना बाकी, सैलरी जो पेएबल था ये क्या हुआ? 31 जुलाई को मैंने उससे सर्विसेज ले ली, 31 जुलाई को मैंने उससे सर्विसेज ले ली, बट पैसा कब देने वाला हूँ मैं? 5 अगस्त को। पैसा कब देने वाला हूँ? 5 अगस्त को। तो हो सकता है भाई जुलाई महीने का खर्चा तो इनकर्ड हो गया ना, जुलाई महीने की मैंने सर्विसेज तो ले ली, तो जुलाई महीने का खर्चा हो गया या नहीं हो गया? 2 महीने पैसा नहीं दिया, 2 महीने पैसा नहीं दिया, बट क्या खर्चा हो गया क्या? यस। तो क्या ये खर्चा बुक होगा या नहीं होगा? यस क्या ये खर्चा बुक होगा। होगा या नहीं होगा? होगा, ये खर्चा बुक होगा। तो बचे कौन से अकाउंट? अब देखो सैलरी, कैश और अमन एनालाइज कर लिया, पूरा ट्रांजैक्शन एनालाइज कर दिया, कैटेगरी लॉक कर दी, एलिमिनेट कर दो। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? सैलरी। एक मिनट मेरे को एक चीज बताओ, सैलरी क्यों एलिमिनेट होगा जिन्होंने सैलरी बोला? आपको नहीं लगता खर्चा तो हुआ है, खर्चा तो बुक होना चाहिए? खर्चा तो हुआ है, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। खर्च सोहम माइक बंद कर दे, कोई बर्तन पीट रहा तेरे घर पे। सैलरी नाम का खर्चा हुआ है, खर्चे को तो इज्जत देनी पड़ेगी ना, खर्चा हुआ है ना, सैलरी नाम का खर्चा तो हुआ है, तो खर्चे को तो इज्जत देनी पड़ेगी, यस और नो? सैलरी नाम का खर्चा हुआ है तो खर्चे को तो इज्जत देनी पड़ेगी, यस? मुंडी हिला दो, मुंडी हिला दो, माइक मत चालू करो, मुंडी हिला दो। खर्चा हुआ है, खर्चे को तो इज्जत, तो सैलरी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा मेरे को बताओ पेबल है मतलब हमने पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी तो है। आपको नहीं लगता पेबल है तो कैश अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है? पेबल है तो क्या कैश अकाउंट पॉसिबल है क्या? इफ अमाउंट इज पेबल, पे ही नहीं किया, अमाउंट पेबल है, अगर वो पेबल है तो क्या हमने पे किया है कि बाकी है? हमने पे किया है कि पे करना बाकी है, बोलो फटाफट। पे करना बाकी, एग्जैक्टली वो अमाउंट पे करना बाकी है, अगर वो अमाउंट पे करना बाकी है पेबल है, अमाउंट पे करना बाकी है पेएबल है, अगर वो अमाउंट पे करना बाकी है पेएबल है, तो क्या हम कैश अकाउंट को इज्जत देंगे क्या? क्या हम कैश अकाउंट को इज्जत देंगे क्या? नहीं। क्या हम कैश अकाउंट को इज्जत देंगे क्या? नहीं। तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और अमन। बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और अमन। क्लियर है यहाँ तक? सैलरी और अमन तो बच गए, सैलरी और अमन। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर देंगे हम इसको? 3,000 से। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से, यस और नो? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से। अमन क्या बन गया यहाँ पे? अमन क्या बन गया जरा बताइए, अमन क्या? पर्सनल अकाउंट, अमन पर्सनल अकाउंट। और याद करिएगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, और याद करिएगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था। ये देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या लगता है अमन, अमन क्या लगता है आपको, रिसीवर या गिवर? अमन क्या लगता है, रिसीवर या गिवर? रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो हमने कौन से अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए? डेबिट द रिसीवर। तो हमने कौन से अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए? ऑफकोर्स सर, सर पक्का है सर, अमन रिसीवर है तो हमने अमन अकाउंट को भी डेबिट कर देना चाहिए, अमन अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, अमन अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। क्या लगता है ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों
क्योंकि अकाउंट्स में तो दो लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए ना, एक डेबिट की लाइन एक क्रेडिट की लाइन। ये एंट्री सही लग रही है कि गलत लग रही है? गलत है एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर ये गलत क्यों है? बिकॉज ऑफ अ सिंपल कंसेप्ट, सिंपल प्रिंसिपल, ड्यूल, ये क्या हो गया, डबल एंट्री, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये गलत किस वजह से? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब एक मिनट मैं आपको बता दूं क्लास, मैं आप लोगों को, आप सभी को जो कंसेप्ट्स है, जो प्रिंसिपल्स है, ये आप लोगों को मैं अलग से बैठ के नहीं पढ़, जैसा चैप्टर नंबर टू है हमारे बुक्स में, मॉड्यूल में चैप्टर नंबर टू है जिसमें ये सब छोटे प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स लिखे होते हैं, जो हमारे बोर्ड की बुक में या आप कोई भी चैप्टर में जाओगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड थियरी नाम से एक चैप्टर होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज नाम से चैप्टर होता है। ये चैप्टर मैं कभी अलग से बिठा के नहीं पढ़ाता, उस चैप्टर के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है जब जब जरूरत पड़ेंगे हम तब तब अलग अलग पढ़ेंगे, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चैप्टर थियरी चैप्टर है। थियरी चैप्टर अगर लेके बैठो ना बोर होता है, एक साथ लेके बैठो ना, क्योंकि कनेक्ट होता नहीं है। पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे, समझ में आता नहीं है आप बोलना क्या चाह रहे हो, क्या डेबिट क्या, पहली बार तो डेबिट क्रेडिट जाके पढ़ना चालू किया है। अब उसमें अगर मैं ऐसा बोलूँ, डायरेक्ट लॉजिक जोड़ना चालू करूँ फाइनल अकाउंट का, तो थोड़ी दिक्कत जाती है, थोड़ी दिक्कत जाती है। तो मैं वो कंसेप्ट कभी पहले दिन लेके अलग से बिठा के पढ़ाता नहीं है, हमको उस कंसेप्ट की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ उसको अलग अलग पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ते जाएंगे हम उसको वहाँ वहाँ वैसा वैसा उस अनुसार हम पढ़ते रहेंगे। तो उसी में से एक छोटा सा प्रिंसिपल, छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल्स, ऐसे कंसेप्ट्स आप कॉपी के लास्ट पेज से लिखेंगे, कॉपी के लास्ट पेज से जहाँ जहाँ हम कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे आप लिखते जाएंगे। तो कॉपी के लास्ट पेज पे आ जाओ, ऊपर हेडिंग दे दो, कॉपी के लास्ट पेज से आ जाओ, ऊपर हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट नहीं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। हेडिंग क्या दे दोगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। हेडिंग क्या दे दोगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। क्लियर है यहां तक? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल दे दिया हेडिंग आपने कॉपी में, एक नए पेज पे हेडिंग दे दिया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड, यानी लास्ट पेज से हेडिंग दे दिया, उसमें लिख दो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या लिख दोगे आप? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल लिख दो, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। लिखो, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। जितना आप डेबिट कर रहे हो उतना आपने क्रेडिट करना चाहिए, जितना आपने डेबिट किया है उतना आपने क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। जितना डेबिट कर रहे हो उतना क्या कर दो बोला उन्होंने? क्रेडिट। जितना आपने डेबिट करना है उतना आपने क्या कर देना है? क्रेडिट। क्लियर है क्या यहाँ तक? डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। बढ़ो आगे यहाँ से, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, हमारा वॉलेट ट्रांजैक्शन में डेबिट कितने से हुआ है? 3000 प्लस 3000 6000 से डेबिट हुआ है। 3000 प्लस 3000 डेबिट कितने से हुआ है? 6। जबकि होना कितना चाहिए? डेबिट 6 क्रेडिट 6 या डेबिट 3 क्रेडिट 3, ऐसा होना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको, दोनों डेबिट कर देना ये एंट्री सही है या गलत है? वो एंट्री सही है या गलत है? ऑफ कोर्स दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है, वो गलत है। गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ हुई बता सकता है कोई? गलती कहाँ हुई? आपने अमन को रिसीवर बोला है, आपने अमन को क्या बोला है? रिसीवर। कि सर अमन रिसीवर है, आपने अमन को क्या बोला? रिसीवर। इसीलिए आपने अमन को डेबिट कर दिया, इसलिए आपने अमन को डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल ही है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। मेरे एक सवाल का जवाब देना, अमन रिसीवर ऑफ व्हाट? जब आपने अमन को रिसीवर बोला तो आपने रिसीवर काय का माना? अमन को जब आपने रिसीवर बोला तो आपने अमन को रिसीवर काय का माना? बोलो, मनी, पैसे का ना, कैश का, सैलरी मतलब कैश का ही रिसीवर माना ना आपने उसको। कैश अभी दिया कि देना है? अभी पे कर दिया है कि पेएबल है? सैलरी मैंने अभी उसको पे नहीं किया, सैलरी मतलब जो कैश है मैंने उसको अभी तक पे कर दिया कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी है।
अमन अभी रिसीवर नहीं बना, अमन रिसीवर बनेगा, मैं बोल रहा हूं अमन रिसीवर बनेगा, बट क्या अमन अभी रिसीवर है कि अमन 5 अगस्त को रिसीवर बनेगा? अमन अभी रिसीवर है कि अमन 5 अगस्त को रिसीवर बनेगा? बोलिए, अमन आज रिसीवर है कि 5 अगस्त को रिसीवर बनेगा? तो आज वो रिसीवर नहीं है, रिसीवर ऑफ कैश तो नहीं है, रिसीवर ऑफ कैश तो नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या हुआ, क्या दिक्कत, क्या आपकी गलती नहीं है, पर्सनल अकाउंट का रूल ही इनकम्प्लीट है। वहां लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गीवर, काय का रिसीवर, काय का गीवर, वो तो बताया नहीं है। अरे ये वाला जो ट्रांजेक्शन था, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है? सैलरी पेबल ₹3,000 टू अमन, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है? नॉन कैश है ना, तो नॉन कैश में कहां से कैश का रिसीवर, कहां से कैश का गीवर? तो आप डिफाइन तो करो रिसीवर और गीवर काय का, कभी यहां डिफाइन ही नहीं किया हुआ रिसीवर और गीवर काय का। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं ना, एक्चुअली जब पर्सनल अकाउंट का ओरिजिनली रूल बनाया गया था, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था ओरिजिनली, डेबिट द रिसीवर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट इतनी बार आया कि लोगों का दिमाग ही खराब हो गया और इंसान हलाली का पुतला, धीरे धीरे उड़ाना चालू किया चीजें, उड़ गया वहां से क्रेडिट। तो एक काम करो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी, अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गीवर ऑफ उधारी। रिसीवर ऑफ उधारी को डेबिट में इज्जत दो, गीवर ऑफ उधारी को क्रेडिट में इज्जत दो। मतलब क्या, ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूँ, थोड़ा मात्र तरीका बदल रहा हूँ मैं। मेरे को एक चीज बताओ, हम कौन थे, हम कौन थे, एनालाइज करने का तरीका बदल रहा हूँ, स्टेप नंबर वन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। हम कौन थे जरा बताएंगे क्या, हम कौन थे, हमने क्या किया? देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ जज करना। हम राहुल है, हमने अमन से सर्विसेज ली, हमने अमन से उसकी सर्विसेज उधारी में ली, हमने अमन से उसकी सर्विसेज उधारी में ली, इसीलिए सैलरी पेएबल है। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूं तो मैंने सही बोला है या गलत बोला है? हमने हमने अमन से सर्विसेज उधारी में ली, इसीलिए सैलरी पेएबल है। मैं ऐसा बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हमने अमन अमन से उसकी सर्विसेज उधारी में ली, इसीलिए सैलरी पेएबल है। अगर ऐसा बोलूं तो एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर है, मैं उससे सर्विसेज उधारी में ले रहा हूँ इसीलिए सैलरी पेएबल है। उसने अपनी सर्विसेज दिया होगा तभी जाके मैं उसको बोल रहा हूँ ना कि हाँ बच्चा तेरे को मैं सैलरी देगा, हाँ बच्चा मैं तेरे को सैलरी देगा। तो अमन क्या लगता है आपको, अमन क्या बन गया? अमन ने अपनी सर्विसेज उधारी में दी इसीलिए सैलरी पेएबल है। तो अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी? अमन क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर? और गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन? गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे, सेकंड लाइन। एक्चुअली अमन को यहाँ पे इज्जत फर्स्ट लाइन में नहीं देना था, अमन को इज्जत यहाँ पे कौन से लाइन में देना था हमको, अमन को इज्जत यहाँ पे कौन से लाइन में देना था, सेकंड लाइन। एक्चुअली अमन अमन रिसीवर नहीं है, वो रिसीवर बनेगा 5 अगस्त को, आज तो वो गिवर है। काय का गिवर है, कैश का गिवर है कि सर्विसेज का गिवर है? सर्विसेज। तो बेसिकली उधारी से याद रखा तो हाँ उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया, हाँ उसने अपनी सर्विसेज उधारी में दिया। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो बेटा, आपके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। मैं पहली बता दूं, ये उधारी टर्म मेरा जोड़ा हुआ है, आपको ये कोई बुक में देखने नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है, अरे ये मेरे तरफ से जोड़ा हुआ है, ये मेरे तरफ से जोड़ा हुआ है, ठीक है यहाँ तक? हाँ या ना, मैं पहली बोला, मेरा तरीका अलग है, अपन थोड़ा कंसेप्ट फोकस चलेंगे, हम ऐसे तरीकों से चलेंगे कि भाई हमसे कभी आगे गलती ना हो। जैसा अभी गलती हो गई, सिर्फ रूल इतना याद रखा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर, मरे आपने उसको रिसीवर मान लिया जबकि वो रिसीवर है क्या, जबकि वो रिसीवर है क्या? नहीं। तो एडजस्ट कर लो, जिस चीज़ की वजह से, जिस रूल की वजह से गलती हुई, वो गलती को सही कर लो, ठीक है? ये लिखने को दूंगा, टाइम दूंगा, मेरे साथ मत लिखो, मेरे साथ मत लिखो, मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी, मैं टाइम दूंगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सैलरी पेड ₹3,000 टू अमन, सैलरी हमने अमन को पे कर दी, सैलरी हमने अमन को पे कर दी। जरा बताइए तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जरा बताइए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, सैलरी कैश और अमन, ठीक है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? मैंने बता दिया, लिखे ही है बाजू में, लिखे ना, सैलरी नॉमिनल है, कैश रियल है, अमन पर्सनल है। हेल्प मी विद दैट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन, क्यों क्यों अमन, क्यों अमन? बिग बाजार एंड WNG, बिग बाजार एंड WNG, जिसको पैसा दे दिए, जिससे पैसा ले लिया हम उसको याद
नहीं रखते, बराबर है। जिसको पैसा दे दिया, जिससे पैसा ले लिया, हम उसको याद नहीं रखते। क्योंकि सर देखो सर, आप ही ने कल पढ़ाया था, चीख चीख के पढ़ाया था, उछल उछल के पढ़ाया था कि सर जिसको पैसा दे दिए, जिससे पैसा ले लिया, हम उसको याद नहीं रखते। देखो सैलरी पेड ₹3,000 टू अमन, वहां पर भी देख लो सैलरी पेड ₹2,000 टू दीपक। फर्क इतना, यहाँ अमन है वहां दीपक है। फर्क क्या है, यहाँ अमन है वहां दीपक है, और अमाउंट चेंज है। ये और वो ट्रांजेक्शन दोनों सेम है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? आप कृष्णा सर की क्लास में बैठे हो क्या, हर ट्रांजेक्शन सेम होगा आपको लगता है? नहीं, मर्जी ने पहले ही बोल दिया नहीं। सर दिख तो सेम रहा है, सैलरी पेड ₹2,000 टू दीपक, सैलरी पेड ₹3,000 टू अमन, दिख तो सेम रहा है। क्या लगता है सेम होगा क्या? दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। यही यही कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता हूँ ना, यही कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। दिखने में सेम दिखता है, आंसर्स अलग होते हैं। और इसी कारण मैं बता रहा हूँ, इसी कारण की वजह से मैंने आपको नहीं क्या कल एक चीज बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एलिमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एलिमिनेशन। दिखने में दोनों ट्रांजैक्शन सेम है, दिखने में दोनों ट्रांजैक्शन सेम है, बट दोनों अलग है। क्यों अलग है मैं बताता हूँ 2 मिनट। कोई कोई बताना चाहेगा क्यों अलग है? कोई बताना चाहेगा खुद के तरफ से? हाँ बेटा, मैं 3 और 4 में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 2nd और 4th में पूछ रहा हूँ। 3 और 4th में बता रहा है तुम्हें, 2nd में पूछ रहा हूँ। 2nd और 4th देखने में सेम ही दिख रहा है ना? अरे बाबा जी, 2nd और 4th दिखने में सेम है। सैलरी पेड ₹2,000 टू दीपक, सैलरी पेड ₹3,000 टू अमन, पेड 2,000, पेड 3,000, तो वो अलग अलग दिखने में, वो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, वो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब जरा ध्यान देना, मैं एक चीज बताऊं, मैंने अभी कुरकुरे वाला एग्जाम्पल लिया था आपके साथ में, मैंने कुरकुरे वाला एग्जाम्पल लिया था। क्या था एग्जाम्पल? जिसके अंदर में मैंने कुरकुरे खाए थे, बट वो राशन वाले को पैसे दिए थे क्या? तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट? खर्चे और पेमेंट में फर्क है क्या? खर्चा कब होता है? व्हेन वी कंज्यूम एनी गुड्स और सर्विसेज। खर्चा कब होता है? व्हेन वी कंज्यूम एनी गुड्स और सर्विसेज। पेमेंट कब होती है? पेमेंट कब होती है? When we physically hand over the cash, payment कब होती है? When we physically hand over the cash. खर्चा होता है at the time of consumption. खर्चा कब होता है? At the time of consumption. But payment कब होती है? When we physically hand over the cash. When we physically hand over the cash. तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल मतलब ये एक्सपेंसेस का था, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ था? एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे, खर्चे हुए थे हमारे, हमने इनकर्ड मतलब कंज्यूम किए थे, खर्चे हमने कंज्यूम किए, उसकी सर्विसेज हमने कंज्यूम की। और यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ सैलरी पेड, तो यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट हो रहा है? मेरे को एक चीज बताओ, 5 अगस्त को मैंने कोई नया खर्चा इनकर्ड किया कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? हमने 5 अगस्त को कोनो नया खर्चा इनकर्ड किया कि पुराना जो सैलरी पेएबल था वो पे किया है? हमने पुराना सैलरी पे किया है ना? आर वी इनकर्डिंग एनी न्यू एक्सपेंडिचर और पेइंग द ओल्ड एक्सपेंडिचर? हमने कोई नया खर्चा नहीं पे इनकर्ड किया है, हमने पुराना खर्चा पे किया है। और वेयर एज यहाँ पे क्या था? सैलरी पेड ₹2,000 टू दीपक, यहाँ पे इनकर्ड और पेमेंट साथ में था, यहाँ पे इनकर्ड और पेमेंट साथ में था। मतलब क्या सर? अरे कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुरकुरे की दुकान पे गए, पैकेट लिया, उठाया, खोला, खाया और तुरंत पैसे दे दिए। तो यहाँ पे इनकर्ड और पेमेंट में डिफरेंस था कि इनकर्ड और पेमेंट साथ में हुआ? इनकर्ड पेमेंट में डिफरेंस है कि इनकर्ड पेमेंट साथ में हुआ? जब मैंने कुरकुरे की दुकान पे गया, पैकेट लिया, उठाया, खोला, खा लिया और पैसे दे दिए, तो खर्चा कब हुआ? जब पैसे दिए तब खर्चा हुआ कि जब खाया तब खर्चा हुआ? खाने के बाद खर्चा हुआ। पैसा तो फिजिकली कैश हैंड ओवर करना था, पैसा तो सिर्फ फिजिकली कैश हैंड ओवर करना था। वेयर एज थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया? हमने बोला सैलरी पेएबल मतलब खर्चा हो गया, यहाँ पे हमने पेमेंट किया। अरे एक सिंपल एग्जाम्पल लो, मेरे को एक सिंपल एग्जाम्पल दो। आप सुबह गए स्टेशनरी की दुकान पे, गए पेन खरीद के ला लिया, ₹10 का पेन खरीदा, उसको पैसे दे दिए, स्टेशनरी वाले को ₹10 देकर आ गए। आप सुबह सुबह गए, ₹10 स्टेशनरी वाले को देके पेन खरीद के लेके आए। आप ऐसा करते क्या, शाम को वापस जाते और उसको बोलते भैया ये ₹10 सुबह मैंने पेन खरीदा था, उसके ये ₹10 अलग से, ऐसा शाम को जाके वापस ₹10 हम अलग से देके आते क्या उसको? शाम को जाके हम सुबह और अलग से ₹10 देके आते क्या? तो मेरे बताओ, जो खर्चा आपने एक बार कर लिया उसकी पेमेंट बार बार होती क्या? जो खर्चा एक बार इनकर्ड हो गया उसकी पेमेंट बार बार होती क्या?
अच्छा जैसा एक एग्जांपल लो, अब यहाँ बताओ सैलरी पेड रुपीज 3,000 टू अमन, आप बोल रहे हो अमन को एलिमिनेट कर दो, आप बोल रहे हो अमन को एलिमिनेट कर दो क्योंकि जिसको पैसा दे दिया, जिससे पैसा ले लिया हम उसको याद नहीं रखते, तो बचे कौन से अकाउंट? सैलरी और कैश। रूल लगा के देखते, चलो आपके हिसाब से रूल लगा के देखते। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपने क्या बोला रहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया रहता 3,000 से, येस और नो? सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया रहता 3,000 से। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल में डालो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया या गया? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आया या गया? गया। तो ये क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितने से क्रेडिट कर दोगे आप? 3,000। मेरे को एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता सैलरी नाम का खर्चा आप यहाँ ऑलरेडी बुक कर चुके थे? सैलरी नाम का खर्चा वापस आपने यहाँ बुक किया, तो यहाँ खर्चा एक बार बुक हुआ कि दो बार बुक हो गया? यहाँ खर्चा एक बार बुक हो रहा है कि दो बार बुक हो रहा है? दो बार बुक हो रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है ये सही हुआ कि गलत, खर्चा दो बार हुआ कि खर्चा एक बार हुआ? क्या मैंने सैलरी अमन को 6,000 सैलरी देनी है कि अमन को सैलरी 3,000 ही देनी है? सैलरी नाम का खर्चा मेरा 6,000 हुआ है कि सैलरी नाम का खर्चा 3? यहाँ मैं कोई नया खर्चा इनकर्ड कर रहा हूँ कि पुराने खर्चे की पेमेंट कर रहा हूँ? अभी इनकर्डिंग है न्यू एक्सपेंडिचर की पुराने खर्चे का पेमेंट है। जैसा आप स्टेशनरी की दुकान में सुबेरे जाके पेन खरीद के लेके आए तो शाम को जाके वापस पैसा देते क्या? शाम को जाके वापस पैसा देते क्या? नहीं। अरे आपने 11th की फीस भर दी हमारे पास, 12th में आए आप, बोले सर हमको रिसिप्ट दो 12th की, मैं बोलूंगा फीस, आप बोलोगे सर 11th में दी। 11th की फीस का बेनिफिट 12th में मिलता क्या? 11th में पे की गई फीस का बेनिफिट 12th में मिलता क्या? तो मेरे को एक चीज बताओ, जो खर्चा एक बार इनकर्ड हो गया, जो खर्चा एक बार इनकर्ड हो गया उसका बेनिफिट बार बार मिलता क्या? जो खर्चा एक बार इनकर्ड हो गया उसका बेनिफिट बार बार मिलता क्या? उसी तरह जो खर्चा एक बार बुक हो गया, उसी तरह जो खर्चा एक बार बुक हो गया क्या वो बार बार बुक होगा क्या? जो खर्चा एक बार बुक हो गया क्या वो बार बार बुक होगा क्या? यस और नो? जो खर्चा एक बार बुक हो गया उसको हम बार बार बुक नहीं करते। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ से अमन अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? सैलरी। क्यों सैलरी? क्योंकि खर्चा हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड हो रहा है कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? आर वी इनकर्डिंग अ न्यू एक्सपेंडिचर और वी आर पेइंग एन ओल्ड एक्सपेंडिचर? यहाँ हम कोई नया खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं कि पुराने खर्चे का पेमेंट है? बोलो बोलो, हम नया खर्चा इनकर्ड नहीं कर रहे, पुराने खर्चे का पेमेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे सैलरी अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेंगे कौन से अकाउंट? कैश और अमन। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अमन क्या बन गया? अमन क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन क्या बन गया बोलो? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। एक्चुअली अमन रिसीवर ऑफ उधारी नहीं है, अमन रिसीवर है बट नॉट रिसीवर ऑफ उधारी। अमन इज रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, उसकी जो पुरानी उधारी है वो रीपे हो रही है ना उसको। एक्चुअल पर्सनल अकाउंट का पूरा रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। पर्सनल अकाउंट का पूरा रूल अगर मैं बोलूं तो डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। अमन अभी क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी नहीं है, अमन रिसीवर ऑफ रीपेमेंट है। अमन को हमने पुरानी उधारी रीपे कर दी, अमन को हमने पुरानी उधारी रीपे कर दी। तो ये जो अमन की उधारी थी, अमन बन गया रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, तो अमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमन अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा जरा बताएंगे? 3,000 से। अमन अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 3,000 से। अब जरा ध्यान से देखना, ट्रांजैक्शन नंबर टू और ट्रांजैक्शन नंबर थ्री, ट्रांजैक्शन नंबर टू और ट्रांजैक्शन नंबर फोर दिखने में सेम है बट क्या एंट्री दोनों की सेम हुई कि अलग अलग हुई? दिखने में सेम है बट क्या एंट्री दोनों की सेम हुई कि अलग अलग हुई? अलग अलग हुई ना। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ इनकर्ड, ट्रांजैक्शन नंबर टू में कंजम्पशन और पेमेंट साथ में, जब आप इनकर्ड बोल रहे हो तो आप दूसरे टर्म्स में इसको कंजम्पशन भी बोल सकते हो। कंजम्पशन और पेमेंट साथ में, यहाँ पे कंजम्पशन, कंजम्पशन अलग है और पेमेंट अलग है। वहाँ पे कंजम्पशन अलग है और पेमेंट अलग है, कंजम्पशन एंड पेमेंट अलग अलग है। ये समझा क्या? हाँ या ना? तो बेटा अगेन मैं जो आपको बोल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। दिखने में दोनों ट्रांजैक्शन सेम दिख रहे थे, याद करो, दिखने में दोनों ट्रांजैक्शन सेम दिख रहे हैं बट मैंने एलिमिनेट किसको किया? सैलरी, क्योंकि हम यहाँ कोई नया खर्चा इनकर्ड कर रहे हैं, नहीं पुराने खर्चे का पेमेंट है। दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न, दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न। इफ यू लर्न दिस प्रॉपरली तब जाके आप बोल सकते हो कि दैट यू आर अ गुड अकाउंटेंट और यू विल बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कंसेप्ट होते हैं सीखने के लिए। रटना तो आसान होता है चीज़ें, रटना नहीं है, हमको कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेज है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है लेजर, जिसका नाम क्या है? लेजर। लेजर नाम का टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगा।
जिसमें आपको पता चलेगा एक चीज कि अकाउंट्स में जो अकाउंट डेबिट हो गया या वही सेम अकाउंट क्रेडिट हो गया तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता है, या उल्टा बोलो पहले क्रेडिट हुआ बाद में डेबिट हुआ, या पहले डेबिट हुआ बाद में क्रेडिट हुआ, उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। उसका बैलेंस क्या हो जाता है? जीरो। मेरा था अमन अकाउंट क्रेडिट हुआ 3,000 से, ये अमन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ 3,000 से, फिर ये अमन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ 3,000 से, ये सोनो। तो आपको नहीं लगता अमन अकाउंट क्रेडिट अमन अकाउंट डेबिट इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा? अमन अकाउंट खत्म हो जाएगा, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, ये बैलेंस ये खत्म हो जाता, ये अकाउंट खत्म हो जाता अगर अकाउंट्स में हम ऐसा कर दे कि भाई सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट कर दे, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट को उतने ही वैल्यू से क्रेडिट कर देना, तो उसका बैलेंस खत्म हो जाता। क्यों सर, कैसे, क्या, इसका लॉजिक पढ़ेंगे जब मैं लेजर बताऊंगा। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि अल्टीमेट इफेक्ट जो बचा वो यही बचा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अल्टीमेट इफेक्ट तो वही बचा ना, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, एंड दिस वॉज नथिंग बट द एंट्री फॉर दैट। जब हमने इनकर्ड और पेमेंट साथ में किया था तो एंट्री यही थी ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री वही है, खर्चा हुआ जेब से पैसा गया। फर्क इतना है खर्चे की डेट अलग है और पेमेंट की डेट अलग है, खर्चे की डेट अलग है पेमेंट की डेट अलग है, फाइनल इफेक्ट वही आता है, फाइनल इफेक्ट वही आता है कि खर्चा होना है जेब से पैसा जाना है, खर्चा होना है जेब से पैसा जाना है, वही इफेक्ट हुआ, बट डेट्स अलग है उन्हें होने की वजह से ऐसा होता है। इनकर्ड अलग पेमेंट अलग, वहाँ इनकर्ड और पेमेंट साथ में था तो खर्चा और पेमेंट एक साथ हो गया, खर्चा और पेमेंट एक साथ हुआ, यहाँ खर्चा अलग हुआ पेमेंट अलग हुआ। समझा गया क्या बोला मैंने? फाइनल इफेक्ट सेम ही है, फाइनल इफेक्ट इसकी बात करो या उसकी बात करो सेम ही है, ठीक है। अगर ये समझाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझाया तो जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी और अच्छे से ये समझते जाओगे आप, ठीक है। लिख लो, पहले एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, जहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लिख रखा है वहाँ जाके रूल अपडेट कर लो, जहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लिख रखा है ना, हमने कॉपी मेंटेन करते वक्त डे वन में मैंने आपको पर्सनल अकाउंट वगैरह लिखवाए थे, डे वन पे नहीं डे टू पे लिखे थे हमने, वहाँ जाओ ये रूल अपडेट कर लो। यस, हो गया है क्या? पर्सनल अकाउंट का रूल अपडेट कर लिया, ठीक है। ये दो एंट्रीज लिख लो अभी, 3 और 4 नंबर की एंट्री लिख लो अभी, जूम कर दूँ थोड़ा सा। लॉजिक लिखना है तो लॉजिक लिख लेना, इनकर्ड अलग पेमेंट अलग,
लिख के हो जाए तो बताना। हो गया हो गया है। तो ये था हमारा द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट, जो अभी हमने पढ़ा आज पढ़ा। ये क्या पढ़ा कि भाई एक्सपेंसेस और पेमेंट में फ़र्क क्या है। एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड इवन एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। परचेज करते वक्त वो एसेट होता है। तो हमने आज इतना पढ़ा। हम कल आगे इसके आगे एक नया कंसेप्ट और पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अगर आप देखोगे तो ऐसे नीचे में ये सारे एक 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 कंसेप्ट है, एक 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 करके कंसेप्ट हम खत्म करते चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। आखिरी कंसेप्ट बैंक रहेगा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम उसके ऊपर में। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। क्लियर है यहाँ तक? जो मैंने आपको बोला था मेरा तरीका बाकी टीचर से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन पढ़ा देंगे, जैसा सैलरी पेएबल रुपीज़ 3000 टू अमन, फिर उसमें डाल देंगे रेंट पेएबल रुपीज़ 5000 टू मोहन, कमीशन पेएबल रुपीज़। अल्टीमेटली है तो खर्चा ही ना, सैलरी की जगह खर्चे। मैं आपको सैलरी पढ़ाया क्या? मैंने अभी आपको सैलरी पढ़ाया कि मैंने आपको एक्सपेंसेस पढ़ाया? अभी हमने सैलरी नहीं पढ़ा बेटा, बात समझो। वी हैव नॉट लर्न सैलरी, वी हैव लर्न एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हुए तो क्या क्या हो सकता है वो अभी हमने पढ़ा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही छोटे 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 अलग अलग कंसेप्ट हम पढ़ते जाएंगे, फिर हम एंट्रीज पास करेंगे उसके ऊपर। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन गो। बाय।